ये खाना बहुत ज्यादा मेसी है, आप देख सकते हैं कितनी सारी मेयो और ये सब डाला हुआ है। बेस अच्छा लग रहा है, परफेक्ट, एकदम क्रिस्पी है। हाय एवरीवन, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपके साथ आज एक वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड एक सैंडविच शॉप जिसका नाम है जयश्री सैंडविच शॉप, ये है घाटलोडिया में, और हम यहाँ पे इनका वायरल सैंडविच ट्राई करने आए हैं जो हमने बहुत सुना था। और आप भीड़ भी देख सकते हैं, बहुत भीड़ है। तो चलिए जल्दी से देखिए इसका रिव्यू और इंजॉय करिए। थैंक यू। सो हाय एवरीवन, तो हम इस प्लेस पे पहुंच गए हैं। जैसे आपने देखा था, अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, ये एकदम वायरल हो रखा है सैंडविच इंस्टा पे। तो हमने ये एक अपने लिए भी ऑर्डर कर लिया। दिस इज़ पनीर मसाला ट्रिपल लेयर सैंडविच। आप देख सकते हैं द सैंडविच इज़ सो ह्यूज, इतना इन्होंने दिखाया था। हमने थोड़ा सा आपको इसकी प्रिपरेशन दिखाई, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत सारी रील्स में इसकी प्रिपरेशन देख रखी है। बट अब मैं आपको इसका टेस्ट बताने वाली हूँ। एक्चुअल में जो इतना हाइप्ड हो रखा है, ये क्या वर्थ है? दिस इज़ ऑफ 150 रुपीज़, ये 150 है इसकी कॉस्ट, और इतना ओवर हाइप हो चुका है, क्या वो वर्थ है या नहीं है? तो चलिए मैं आपको पहले एक बार इसको उठा के दिखा। एंड इट इज़ सो हैवी, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम बल्की, आई मीन वेरी डिफ़िकल्ट टू ईट। आप देख सकते हैं दिस इज़ पनीर मसाला सैंडविच, जिसमें पनीर है, वेजीज हैं, खूब सारी मेयो एंड चीज़ है। सो लिटल नर्वस एंड एज वेल एज एक्साइटेड टू टेस्ट, और इस ऊपर से उन्होंने बटर लगाया है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ईट ऑल्सो। तो चलिए इसकी एक बाइट लेते हैं। माई गॉड, आप चीज़ देख सकते हैं इसमें, पनीर देख सकते हैं, और इतना ओवरलोड होता तो मुझे ऐसा लगता नहीं सैंडविच का कुछ भी टेस्ट आता होगा। बट इनकी जो ब्रेड है वो भी काफ़ी थिक वाली है, नॉर्मल वाले सैंडविच ब्रेड नहीं है। तो चलिए इसके एक बाइट भी लेते हैं और आपको रियल एक ऑनेस्ट रिव्यू बताते हैं कि ये कैसा है। ओके, अब आते हैं इसकी रिव्यू की बारी। टेस्ट इसका अच्छा है, देखिए मेयो है, सेजान सॉस डाली हुई है, पिज़्ज़ा सॉस डाली हुई है बीच में, चीज़ है, पनीर है। सच कहूँ टेस्ट में ये एक्चुअल में अच्छा है, जितना ये ओवर हाइप हो रखा था टेस्ट में अच्छा। आप एक बार आकर इसे ट्राई कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। मुझे एक्चुअल में अच्छा लगा, क्योंकि हमने सोचा था कि एकदम आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे इसके लिए, और ये एक्चुअल में अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा कम होता ना इसके अंदर मटेरियल, तो ये और टेस्टी होता, हम ब्रेड भी अच्छे से इन्जॉय कर पाते। अभी क्या है, बहुत सारा पनीर, चीज़ और सॉसेज आ रही हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है, और ये एक इंसान अकेला तो खा नहीं सकता है। आई थिंक दो लोग इसको आराम से शेयर कर सकते हैं। आप आइए, इन्जॉय करिए, बहुत हैवी सैंडविच है, एंड ये काफ़ी मुझे अभी टेस्टी लग रहा है। बट ये है कि ये खाना बहुत ज़्यादा मेसी है, आप देख सकते हैं कितनी सारी मेयो और ये सब डाला हुआ है। मैं मानती हूँ आप बोलोगे कि ये बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ। बट आप कभी आएँ इस तरफ, तो आप कभी आपका मन करे कुछ ओवरलोडेड अलग सा सैंडविच खाने का, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अलग तो क्या है, इसमें सारी सॉसेस वगैरह ही है, खूब सारी मेयो सॉस सब डाल दो तो टेस्ट वैसा ही लग रहा है इसका। तो मैं इसको खाती हूँ, इन्जॉय करती हूँ, और आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके, तो अब हमने नेक्स्ट चीज़ ऑर्डर करी है, इनका ये पफ बेस सैंडविच, ये एक तरह से ओपन पफ है जिसके ऊपर अलग अलग वेजीज है। तो चलिए इसको भी ट्राई करके बताती हूँ कैसा है। सो गाइज, हमने वो दो चीज़ें ऑर्डर करी थी जो इंटरनेट पे, इंस्टा पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रखी थी। एक तो सैंडविच जो हमें सच में एक्चुअल में अच्छा लगा, और अब मैं ये पफ वाला करूँगी। बट नीरज को ये बहुत नॉर्मल लगा, नॉट वर्थ फॉर मनी। और मुझे भी क्या है, ये देखिए नीचे मेयो है, तंदूरी मेयो है, ऊपर चीज़ डाल दिया, थोड़ी सी वेजीज डाल दी, तो मुझे तो बिल्कुल भी ना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा खाने में। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, आपको बताती हूँ क्या ये 100 रुपीज़ का वर्थ है या नहीं है। बिकॉज इस चीज़ पर ना इतनी मेयो ना सैंडविच पर ओके, क्योंकि उसकी ऑलरेडी 3 लेयर्स होती हैं, इस पर इतना सारा ये सब कुछ, तो आई डोंट थिंक सो अच्छा लग रहा है, मुझे देखने में नहीं लग रहा। नो, बेस अच्छा लग रहा है, परफेक्ट, एकदम क्रिस्पी है, बट ऊपर इतनी मेयो, वो तो चीज़ के साथ बेक करा हुआ है। हाँ, और इतना ज़्यादा मेयो, और उसके ऊपर चीज़ भी है, और बहुत ज़्यादा ना ऐसा लग रहा है, मेयो मेयो लग रहा है। वो सैंडविच क्या था, एक तो वो ब्रेड बहुत थिक थी, 3 लेयर थी, तो इसलिए वो मेयो बैलेंस कर रहा था सब कुछ, बट इसमें नहीं कर रहा है। तो अगर आपका मूड करता है इस तरफ, अगर आप आते हैं, हाँ, तो इसका एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप घाटलोडिया आते हैं तो यहाँ आकर आप सैंडविच ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत भीड़ दिखेगी, यहाँ पे कॉलेज क्राउड बहुत दिखेगा। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करती हूँ, कुछ अलग ही इंटरेस्टिंग सा डिफरेंट ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉट वर्थ फॉर मनी।
एंड यस बाय। ओके गाइज, सब्सक्राइब करिए चैनल को और एंजॉय करिए हमारी वीडियोस को। अब मैं बहुत ही फ्रीक्वेंट वीडियोस डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।